हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अब सैनिकों को अपने पैसे से खरीदने पड़ेंगे जूते और वर्दी। सेना को पर्याप्त फंड नहीं दे रही मोदी सरकार। भारतीय सेना आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही है। दरअसल भारतीय सेना ने सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से खरीदारी में भारी कटौती करने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए लिया गया कि छोटे युद्ध जैसे हालत में फौरी तौर पर गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा बचाया जा सके। इस कदम से सैनिकों की वर्दी की सप्लाई, जिसमें युद्धक ड्रेस, बैरेट्स, बेल्ट, जूते जैसे सामानों पर असर पड़ेगा। दरअसल सेना आपातकालीन गोला बारूद के स्टॉक को बनाए रखने के लिए 3 योजनाओं पर काम कर रही है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि सरकार ने सेना को इन योजनाओं के लिए कोई फंड नहीं दिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सेना अपने न्यूनतम बजट में ही व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि इस साल के बजट को देखते हुए सेना के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सप्लाई की कटौती के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। सेना जिन 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, उनमें से केवल एक ही शुरू हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से फंड की कमी की वजह से ये आपातकालीन प्रोजेक्ट्स काफी प्रभावित हुए हैं। अधिकारी के अनुसार आपातकालीन खरीदारी के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 6739.83 करोड़ रुपए अभी तक बाकी हैं। उन्होंने बताया कि 2 अन्य स्कीम 5 साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए हैं। सेना अब इस समस्या से जूझ रही है कि 2 प्रोजेक्ट्स के लिए भुगतान कैसे किया जाए, क्योंकि केंद्र ने साफ कर दिया कि इसकी व्यवस्था वो अपने बजट से करें। इसी के चलते मार्च में सेना ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है। अधिकारी के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के 54% प्रोडक्ट सेना की सप्लाई के लिए जाते हैं। इससे 11,000 करोड़ के भुगतान में कम कर 8,000 करोड़ रुपए के करीब लाया गया है। बता दें कि अधिकारियों का मानना है कि जून 2019 तक सेना के पास 10 के लेवल का 90% गोला बारूद मौजूद हो जाना चाहिए। सेना के कई अधिकारियों का कहना है कि सरकार को आर्थिक सहयोग देना है, जो अब तक नहीं दिया गया। ऐसे में सेना अपनी मेंटेनेंस के लिए अपने बजट को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।